हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द आर्टिस्ट लेसन का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, सारा का सारा जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो द आर्टिस्ट चैप्टर से है, जिसे लिखा है सीगा नोइया जी ने। तो ज़्यादा समय न लेते हुए उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे कि सेब्बई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेब्बई इंटरेस्टेड था, रुचि रखता था, पूरे ही पैशनेट होकर के, तो किस में रखा करता था? तो वो रखा करता था गॉड्स में, कद्दुओं में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेब्बई वुड एग्जामिन द, सेब्बई जो है वो निरीक्षण किया करता था, तो किसका निरीक्षण किया करता था? तो कद्दुओं का निरीक्षण किया करता था, गॉड्स का निरीक्षण किया करता था। सेब्बई वुड एग्जामिन द गॉड्स, सेब्बई जो है वो कद्दुओं का निरीक्षण किया करता था, अवलोकन किया करता था, एज सुन एज ही गॉट अप, जैसे ही वह उन्हें पा लेता था। 2021 में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू सेब्बई वॉज, उस तरह के कद्दू जो सेब्बई उस पर अपील्ड करता था, यानी उस पर जो काम करता था, तो वो कैसे हुआ करते थे? तो वो जो कद्दू हुआ करते थे बच्चों, वो इवन एंड सिमेट्रिकल हुआ करते थे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि द टीचर हु कैच सेब्बई डूइंग द गॉड इन द क्लास, तो जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने सेब्बई को पकड़ा था, क्लास में पकड़ा था, कद्दू के साथ वो क्या कर रहा था? तो कद्दू के साथ जब वह कुछ काम कर रहा था तो एप्रिसिएटेड हिम, क्या शिक्षक ने उसे बढ़ावा दिया? अवार्डेड हिम, उसे पुरस्कार दिया? डिप्रिसिएटेड हिम या पनिश्ड हिम, तो जो वहाँ पर टीचर थे उन्होंने सेब्बई को पनिश किया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि द आर्टिस्ट इज फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, जो आर्टिस्ट जो है वो क्या है? तो जो आर्टिस्ट है वो क्या है? क्या वो फादर है, मदर है, अंकल है, ब्रदर है? तो जो आर्टिस्ट है ना, वो आर्टिस्ट कौन है भाई? तो जो आर्टिस्ट है वो असल में उसकी माँ है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ रिटन द स्टोरी, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो स्टोरी है वो, हु हैज़ रिटन द स्टोरी, द आर्टिस्ट जो स्टोरी है वो किसने लिखा है? द आर्टिस्ट स्टोरी जो है वो किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट जो स्टोरी है वो सीगा नोइया ने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु हैज़ रिटन द स्टोरी, द आर्टिस्ट, यही क्वेश्चन तो यहाँ पर भी है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सीगा नोइया, एस नोइया, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सीगा नोइया वॉज बॉर्न इन, यानी सीगा नोइया का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो 1883 में हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, सीगा नोइया डाइड इन, तो सीगा नोइया की मृत्यु कब हुई है? तो सीगा नोइया की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1971, यानी हम देख सकते हैं कि सीगा नोइया का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1883 है और डेट ऑफ डेथ जो है वो 1971 है। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2022 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है 12th क्लास में, फैंसी अ लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम, यानी ये कहाँ से लिया गया है पंक्ति ये बताना है कि फैंसी अ लेड स्पेंडिंग हिज टाइम, यानी पागलपन है कि अपना समय जो है वह स्पेंड करना, खर्च करना, प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ ग्राउंड्स, खेलने की बजाय इस तरह के कद्दुओं पर, खेलने की बजाय इस तरह के कद्दुओं पर, गॉड्स पर जो है वो अपना समय बर्बाद करना जो है ये मूर्खता है, यह पागलपन है, यह किसने कहा था या यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है द आर्टिस्ट चैप्टर से। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, सेब्बई वॉज, सेब्बई कौन था?
क्या वो आर्टिस्ट था, सिंगर था, या म्यूजिशियन था, या नन ऑफ दिस था। तो सिब्बई जो था वो एक आर्टिस्ट था। सिब्बई कौन था? सिब्बई जो था वह एक आर्टिस्ट था, कलाकार था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बच्चों, तो सिब्बई अगर आर्टिस्ट है तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट में दिया गया है कि मदर है, कि मदर द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट इज, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत है। क्योंकि द आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए कि ऐसे है, क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि ऐसे है, या शॉर्ट स्टोरी है, या स्टोरी है। तो ये हो जाएगा कि द आर्टिस्ट जो है वो एक स्टोरी है। तो ऑप्शन जो स्टोरी वाला होगा वो सही हो जाएगा। खैर, टाइपिंग मिस्टेक है वो। अगला जो है वो हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिब्बईज पेरेंट्स न्यू दैट, सिब्बई के माता पिता यह जानते थे कि, ही ऑफ्टन बॉट हिमसेल्फ, वह अपने लिए प्रायः खरीद लेता है। तो क्या खरीद लेता है? तो कद्दूओं को खरीद लेता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। सिब्बई लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सिब्बई जो है वह घने गंदी और बहुत ही घनघोर शहर में जो है वो रहा करता था, हार्बर टाउन में रहा करता था, छोटे से टाउन में रहा करता था। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन, कोई एक व्यक्ति उस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक चल सकता है। तो कितने मिनट में चल सकता है? तो वह जो आदमी है वह एक छोर से दूसरे छोर तक वह चल सकता है 20 मिनट्स में, यानी 20 मिनट में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। सिब्बई न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉट्स, सिब्बई जो है वह हर स्थान जानता है जहां पर कद्दूओं को बेचा जाता है। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। वन डे सिब्बई फाउंड अ पेक्युलर गॉड, सिब्बई जो है वो एक बहुत ही विलक्षणीय कद्दू प्राप्त करता है एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला की दुकान पर। विच कॉस्ट हिम, जिसका मूल्य जो है वो बताती है, कितना बताती है? तो 10 सेंट जो है वो बताती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड, यानी अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो सिब्बई है वह सबसे पहले प्रथम दृष्टया उस कद्दू के सबसे टॉप पर जो है वो होल किया करता था और सारे बीजों को निकाल लिया करता था। 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट सीड्स, वह होल किया करता था क्या बाहर निकालने के लिए? सीड्स को बाहर निकालने के लिए, अर्थात वह बीजों को बाहर निकालने के लिए होल किया करता था। वेन एवर सिब्बई पास्ड थ्रू द मार्कर, ही सर्च, मार्कर नहीं होगा, मार्केट होगा। वेन सिब्बई पास्ड थ्रू द मार्केट, जब सिब्बई मार्केट से होकर के गुजरता था, ही सर्च्ड फॉर द, वह देखा करता था, वह ढूंढा करता था। तो किसको ढूंढा करता था? कद्दूओं को ढूंढा करता था। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। सिगा नोइया, क्या हो जाएगा? सिगा नोइया हैज रिटन द स्टोरी, सिगा नोइया ने जो है वह कहानी लिखी है। कौन सी कहानी लिखी है? तो द आर्टिस्ट जो है वह कहानी लिखी है। यह ऑप्शन एक ही जो है वह दो को दिया हुआ है। द आर्टिस्ट जो है वो कहानी सिगा नोइया ने लिखी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सी भी जो है वो सही हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो सी भी सही होगा। 20 के बाद जो है वो 21 नंबर क्वेश्चन है, और 21 नंबर क्वेश्चन है आप सबके सामने कि सिब्बई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कि सिब्बई जो है वो 12 ईयर्स का, 12 वर्ष का एक जैपनीज लड़का है। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। सिब्बई वॉज अ, कितने साल का वो बच्चा है? तो वो जो बच्चा है वो 12 ईयर्स ओल्ड है। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक जगह आपने देखा सिब्बई वॉज 12 ईयर जैपनीज बॉय जो है वो उसका आंसर हुआ। अब यहाँ पर ईयर पूछ दिया कि वो कितने साल का है, तो सिब्बई वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय। नेक्स्ट है सिब्बई हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, सिब्बई की आदत थी कि वह कद्दूओं को इकट्ठा किया करता था। 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। सिब्बई वॉज
पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सिब्बई जो है वह संपूर्ण रूप से अपनी रुचि रखा करता था किसमें, कद्दुओं में। 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। सिगानोया जो है वो एक जैपनीज राइटर थे, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिगानोया जी ये बताते हैं कि किस तरह से जो बड़े लोग होते हैं वह छोटे छोटे उम्र के बच्चों के टैलेंट को दबा देते हैं और उसे अपने हिसाब से जो है वो कार्य करने की अनुमति देते हैं जिसमें उसकी रुचि भी नहीं होती है। जैसे सिब्बई की रुचि कद्दुओं पर कलाकृति करने की थी, लेकिन उसके माता पिता ने अंततोगत्वा वो छुड़वा दिया। फिर उसकी रुचि पेंटिंग में हुई, उसको भी उन्होंने छुड़वा दिया। यानी जो बड़े लोग होते हैं, जो गार्जियन लोग होते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने तरह के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का बोझ अपने पुत्र पर पुत्री पर थोप देते हैं, जिसके कारण जो असली प्रतिभा है वह छुप जाती है और फिर एक ऐसे कार्य में जो बच्चा है वो संलग्न हो जाता है जिसमें उसकी रुचि तनिक भी नहीं रहती है। तो सिगानोया इज अ जैपनीज राइटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, वन डे सिब्बई वॉज कैच रेड हैंडेड बाई हिज क्लास टीचर, है ना, बाई हिज क्लास टीचर। किस क्लास में हुआ था, तो इथिक्स क्लास में हुआ था। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, हालांकि वन डे सिब्बई वॉज कैच रेड हैंडेड बाई हिज क्लास टीचर जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्लास में जो टीचर ने उसे पकड़ा था वो इथिक्स के क्लास में पकड़ा था, है ना। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट सिब्बई बॉट अ, सिब्बई ने जो है वो खरीदा है, तो क्या खरीदा है, तो 27 नंबर का जो आंसर है कि सिब्बई ने जो है वो खरीदा है, तो क्या खरीदा है, तो सिब्बई ने खरीदा है 5 inches गॉड को, यानी 5 inch के कद्दू को, फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला से। 27 नंबर के बाद हम देखेंगे 28 नंबर, द टीचर बिकम वेरी वेरी एंग्री विथ द सिब्बई फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज। जो टीचर थे वह बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, एंग्री हो गए थे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, सिब्बई स्टडी को, अध्ययन को निगलेक्ट कर रहा था और कद्दू पर लगा था बेंच के नीचे रख करके पॉलिश करने में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 के बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, सिब्बई रीड्स एट, सिब्बई जो है वह पढ़ा करता था, तो कहाँ पढ़ा करता था, तो सिब्बई रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के बाद हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, सिब्बई गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू सेन, सिब्बई जो है वह कद्दुओं को प्राप्त कर लिया करता था कुछ ही सेन में, यानी ऑप्शन सी जो है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और यह जापान की सबसे छोटी मुद्रा है सेन। नेक्स्ट 30 के बाद हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, द नेक्स्ट डे द टीचर गिव सिब्बईज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर हु वर्कड इन द स्कूल। अगले ही दिन जो शिक्षक थे जिन्होंने सिब्बई के कद्दू को कॉन्फिस्केटेड किया था, जब्त किया था, उस कद्दू को वो एक ओल्ड पोर्टर को दे देते हैं, एक बूढ़े चपरासी को दे देते हैं, हु वर्कड इन द स्कूल, जो उसी स्कूल में काम करता था, इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन ली गई है, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो द आर्टिस्ट से ली गई है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, और ये 2022 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द 5 inches गॉड इज गॉड्स इज, जो 5 inch का कद्दू था उसका जो प्राइस था वह कितना था, तो उसका जो प्राइस था वह 10 sen था, 10 sen में सिब्बई ने उसे खरीदा था। नेक्स्ट हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, सिब्बई फादर वर्कड एट, सिब्बई के जो पिताजी थे वह कार्य किया करते थे, तो कारपेंटर्स के शॉप पर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 के बाद हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, वाज सेलिंग ड्राइड परमिनॉन्स एंड ऑरेंज, जो ओल्ड वुमेन थी वह सेल कर रही थी परमिनॉन्स को और ओल्ड या और ऑरेंज को जो है वो क्या कर रही थी, सेल कर रही थी, तो कौन सेल कर रही थी, तो सेल कर रही थी कौन, तो एक जो ओल्ड वुमेन थी वो सेल कर रही थी
ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबई फॉर, जो वो चपरासी था जो कॉन्फिस्केटेड गॉड जिसे टीचर ने दे दिया था, उसने उस कद्दू को बेचा था, तो कितने में उसने कद्दू को जो है वह बेच दिया था, तो जो ओल्ड पॉटर था उसने उस कद्दू को बेचा था 50 येन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि फिल इन द ब्लैंक्स इज अ शॉर्ट स्टोरी, कौन जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो द आर्टिस्ट है जो शॉर्ट स्टोरी है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है। सेबईज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर प्लीज्ड डिसप्लीज्ड लाफ नॉन ऑफ दीज, यानी जो सेबईज की हॉबी है कद्दूओं को इकट्ठा करने की, क्या वो टीचर्स को लाफ कर दिया, हंसा दिया, या उन्हें आनंदित कर दिया, या उन्हें डिसप्लीज्ड, या उन्हें क्रोधित कर दिया, उन्हें दुखी कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। 37 के बाद हम देखेंगे 38 नंबर, सेबईज पेरेंट न्यू दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, यानी सेबई के माता पिता जानते हैं कि प्रायः वह बाहर जाता है तो वह कद्दूओं को खरीदता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद जो है वो हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर 600 येन, जो क्यूरियो डीलर था, जो कलाकृति की दुकानदार वाला जो दुकान था, सॉरी जो कलाकृति की दुकान का जो दुकानदार था जिसे ओल्ड पॉटर ने उस कद्दू को बेच दिया था, उस दुकानदार ने उस कद्दू को 600 येन में जो है वह बेचा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सेबई है वो एक टैलेंटेड बॉय है, और उसके द्वारा कलाकृति की गई कद्दू की कीमत जो ओल्ड पॉटर है वो 50 येन में क्यूरियो डॉलर के शॉपकीपर को बेच देता है, और वही क्यूरियो डीलर, वही कलाकृति की दुकानदार, वही कलाकृति की दुकान वाला जो दुकानदार है उसी कद्दू को वो 600 येन में बेचता है, तो जो सेबई है वो एक कद्दू 600 येन की कीमत वाला बनाया, लेकिन इसके बारे में किसी ने भी किसी को नहीं बताया, ना तो क्यूरियो डीलर शॉपकीपर ने जो है वो ओल्ड पॉटर को बताया, और ना ओल्ड पॉटर ने किसको बताया, टीचर को बताया। और इस तरीके से इतना प्रतिभावान बच्चा इस कारण से कि टीचर उसके घर पर पहुँच करके उसकी इस कला का सम्मान नहीं कर पाए और कंप्लेन कर दिए, सारे कद्दूओं को तोड़ दिया गया, और इस एक कद्दू की कीमत के बराबर उसके पिताजी कई महीनों काम करते, कई साल काम करते तब कमा पाते, जबकि वह अपनी कलाकृति से केवल एक ही कद्दू से जो है वह इतने येन का जो है वो अर्निंग कर सकता था। तो इसीलिए हमको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम लोगों को बच्चों की कलाओं के अनुसार ही उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ा देना चाहिए, उन पर अपने सपने नहीं थोपने चाहिए। क्लियर है? बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह था जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, साथ ही साथ कुछ आवाज़ में भी जो है वो प्रभाव आ रहा है क्योंकि मेरा गर्म पानी ख़त्म हो गया और बाहर से जो है वो ठंडा पानी पिए हैं। लगभग तीन वीडियो जो है वो शूट कर चुके हैं, और अब जो है वो रात के बज रहे हैं 7:40, है ना, 7:40 हो रहे हैं, सुबह के आए हुए हैं, 12 घंटा से ऊपर हो गया, तो अब रेस्ट की भी ज़रूरत है। आप लोग भी जी जान से लगे रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल अच्छा ही होगा, है ना, खूब मन लगा करके पढ़िए। बाकी जो भी चीज़ें ये बताई गई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। बाकी अपने सेहत का भी ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़िए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि वीडियो का कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, या कौन सा क्वेश्चन जो है वो सबसे बेस्ट लगा, और अगर बढ़िया से समझ में आ गया हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।